वाईके और निशी बुआ की एनिवर्सरी है, वेडिंग एनिवर्सरी, और उसी की सेलिब्रेशन पार्टी है। तो एग्जैक्टली पार्टी के पहले रोहित और सोनाक्षी का बहुत बुरा झगड़ा हुआ है, पहला बड़ा झगड़ा शादी के बाद, और दोनों एक दूसरे से दो तीन दिन से बात नहीं कर रहे हैं। जी, मियाँ बीवी वाला। और इस पार्टी के ज़रिए रोहित जो है वो सोनाक्षी से बात करने की कोशिश करता है, अपोलोजाइज करने की कोशिश करता है, तो बस वही शूट कर रहे थे। आप तो अच्छा कर रहे थे, लेकिन फिर आपको किसी ने कबाड़ी कर दिया, सर क्या बोला आपकी वाइफ को जो गड़बड़? एक्चुअली सब कुछ जो है वो एक साथ हुआ है। दो दिन पहले ही रोहित सोनाक्षी का झगड़ा हुआ, और एक दिन पहले सोनाक्षी का सुमित के साथ एक बहुत ही हॉट स्टीमी रेन डांस वीडियो उसके एपिसोड में दिखाया गया, तो उसको लेके लोग बातें करने लगे हैं। और ऑफ कोर्स सिप्पी के जो फ्रेंड्स हैं वो थोड़े कंजर्वेटिव टाइप हैं, तो उन्हें आदत नहीं है इस तरह अपने घर की बहू बेटियों को डांस करता देखने की, पर्दे पे देखने की। उनके लिए वो एक्ट्रेस, मतलब यू नो, वो ज़्यादा हाई क्लास नहीं मानते उस चीज़ को। जी, तो वो अंकल जो है हमारे, वो थोड़े बदतमीजी पे उतर आते हैं, तो सुमन की मदर उनको जवाब देती हैं, फिर सोनाक्षी की मदर सुमन जवाब देती हैं, फिर सोनाक्षी जवाब देती है, और रोहित जो है सोनाक्षी को सपोर्ट करता है। तो अभी जो आपका सपोर्ट है, इसके बाद लग रहा है कि तुम्हें पब्लिक के लिए आपने सपोर्ट किया सोनाक्षी को, तो आप दोनों का जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होगा? डेफिनेटली होगा, एंड बहुत स्वीटली क्यूटली पैचअप होगा, तो प्लीज़ देखते रहिए। जी, बहुत ही लकी था मैं आज डांस के लिए, क्योंकि रोहित और सोनाक्षी एक दूसरे से खफा थे, तो मुझे कोई डांस स्टेप्स नहीं करने थे, मुझे बस ऐसे हिलते रहना था, एंड दैट इज़ द इजीएस्ट फॉर मी। थैंक यू। आई थिंक जो शूट है वो हमारा बहुत फन स्पेस में हो रहा है फिलहाल, बिकॉज थोड़ा बहुत जितना आपने हमारी टीजर्स में देखा होगा, एक थोड़ी बहुत नोकझोंक भी है हम दोनों में, तो वो सीन्स करने में हमें बहुत मज़ा आ रहा है। आई एम श्योर आप लोगों को देखने में उससे ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड बाकी इससे ज़्यादा, जैसे आपने बोला पिक्चर अभी बाकी है, तो उसके लिए आपको पिक्चर ही देखनी पड़ेगी, मैं कुछ नहीं बताऊँ। बिल्कुल, देखिए शूटिंग तो शुरुआत जिस तरह हुई है, हमारी जो टीम फॉर्म हुई है बहुत ही एक्साइटिंग है, क्योंकि हर कोई इतना एंथुजियास्टिक है अपने रोल को लेके, और हमारा जो बेसिक हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि ये एक एक्ट्रेस हैं, और इनके सीन्स जो लिख के आते हैं वो, और जो मेरे रिएक्शंस लिख के आते हैं, या जिस तरह वो प्ले आउट हो रहे हैं, और जिस तरह दीपिका अपने सोनाक्षी और पार्वती के डिफरेंस को परफॉर्म भी कर रही हैं, वो देखने में ही इतना मज़ा आ रहा है। जैसे कि आपने एक ट्रेलर में सीन देखा होगा जहाँ ये चिल्ला रही हैं टीवी पे और ये खाना खा रहा है, वो मैंने पूरा देखा है पहले, बैठ मैं सिर्फ देख रहा था वो बैठ के, तो मुझे डायरेक्टर ने आके बोला कि ये देखने के लिए नहीं है, ये तुम्हारी एक्टिंग के लिए, ये इसीलिए लगाया ताकि तुम्हें क्यों मिले। तो मैं बोला हाँ हाँ, तो वो इतना देखते हुए हमें मज़ा आ रहा है, पढ़ते हुए मज़ा आ रहा है, तो आई एम श्योर आप सबको शो जब ऑनर आएगा तो बहुत मज़ा आएगा। ओके, खड़ूस बनने में देखिए, खड़ूस तो मैं हूँ नहीं, पर लगता हूँ ऐसा, मुझे ऐसा लगता है। But I think by the end of this show, ये खड़ूस बन चुके हैं। हाँ, दीपिका का एक बहुत अच्छा स्वीट क्वेश्चन उन्होंने मुझे पूछा था कुछ दिन पहले जब हम शूटिंग कर रहे थे, दीपिका ने मुझे देखा, मैं कुछ ऐसे ही देख रहा था सेट पे, ऐसे ऐसे आजकल ये ऐसे ही रहते हैं। हाँ, ऐसे ही वो उसकी माता तनाव रहता है उसका, तो मुझे बोलती ये शक्ल रोहित के लिए बनाई है या ऐसी ही है। So we all will wait. Yeah. But surprisingly, initially मेरे लिए easy बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैं इतना naturally मैं play करने की आदी नहीं हूँ। So हम जिस space में ये show shoot कर रहे हैं, that is very natural, very me, very relatable. तो वो थोड़ा अनलर्न करके ये लर्न करने में मुझे वक्त लगा, बट काफ़ी डिफिकल्ट चीज़ होती है, मतलब ये ऑब्वियसली कह नहीं रही हैं आपसे, लेकिन क्योंकि एक तरफ ये एक आउट एंड आउट सोप स्टार प्ले करती हैं, और जैसे ये कह रही है अभी आपने कहा कि ये शी इज़ प्लेइंग हर सेल्फ, लेकिन टू प्ले योर सेल्फ इज़ एक्चुअली अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि अगर मुझे कोई बोले प्ले योर सेल्फ तो मुझे नहीं पता मुझे अच्छा रहना है बुरा रहना है। करेक्ट, मैं तो नहीं डिसाइड करके आता हूँ कि मैं यहाँ पॉज लेके आपको ये बोलूँ,
तो वो बड़ा डिफिकल्ट होता है और बहुत बखूबी कर रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल, काफ़ी हम रीडिंग्स हमने काफ़ी की थी, क्योंकि देखिए मेडिकल साइंस जो है वो बहुत ही एक एक्सटेंसिव साइंस है, और थोड़ी सी नॉलेज रखना या उसके उसके वर्ड्स को फ्लुएंटली बोलना और एक एफर्टलेसनेस रखना अपनी बॉडी लैंग्वेज में, एक छोटी सी चीज़ है, जैसे जैसे ये अटायर है या स्टेथोस्कोप है या कैप है या ये स्क्रब्स होते हैं, तो वो काफ़ी नए होते हैं आपकी बॉडी के लिए, आपको आदत नहीं होती, तो वो सब चीज़ें जानना। और जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, राइटर हैं, क्रिएटर हैं संदीप सिकन, उन्होंने इतना एक्सटेंसिव काम किया हुआ है हम सबके कैरेक्टर्स के, आप उनके साथ बस बैठ के बातें करेंगे ना, आपकी वर्कशॉप उसी में हो जाएगी। आई थिंक संदीप की वजह से हम सब के लिए शो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग एंड थोड़ा मैं बोलूँगी ईजी है, क्योंकि उन्होंने इस हद तक का होमवर्क किया है ना, बिल्कुल, कि उन्होंने हमारे लिए ढांचा बना दिया है, हमको सिर्फ जाके उसमें खुद को फिट करना है। और संदीप ऐसा है ना कि सुपर, वो जेन्युइनली खुद एक्टर भी हैं और बहुत बेहतरीन एक्टर, अच्छा एक्टर है। तो जब वो आपको आपका सीन पढ़ के या परफॉर्म करके दिखाते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है अरे ऐसा हाँ, मैं तो कर भी नहीं पाऊंगा यार, करेक्ट करेक्ट, अच्छा कर रहे हैं। एब्सोल्युटली ओके, दीपिका आल्सो यू नो बिग बॉस के बाद थोड़ा सा समय लगा दिया, वाज दिस द प्रोजेक्ट दैट यू वाज वेटिंग फॉर टू प्ले द काइंड ऑफ? एक्चुअली समय इसी के इंतजार में गया है, बिकॉज मैं बाहर निकली एंड आई वाज इन अ चिलिंग मोड, तो संदीप का फ़ोन आया एंड आई वाज लाइक हाँ ओके ठीक है करते हैं, तो मैं गई एंड आई वाज नॉट इन अ हरी कि मैं कुछ लूँ, एंड ये शो ऑफर हुआ था, फिर हमने एक लुक टेस्ट किया एंड देन मैं आराम से वेट कर रही थी एंड हो गया। सो ऐसे कुछ प्लान करके नहीं हुआ, जस्ट हैपेंड, आई थिंक डेस्टिनी। शोएब को प्रोमो दिखाया नहीं, वो हर चीज़ सबसे पहले देखते हैं, ही इज़ वेरी एक्साइटेड बिकॉज हम सब फॉर दैट मैटर बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि मैं इस शो में बहुत फ्रेश लग रही हूँ एंड एज शी सेड मैं बहुत नॉर्मल स्पेस में हूँ, तो हम सब बहुत एक्साइटेड हैं, शोएब इज़ डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड कि ये शो ऑनर हो। कितनी स्वीट है आप, दुष्ट है, हटाओ। नहीं, मेरा मेरे ब्रेकअप उल्टा होते हैं कि इसके पास बहुत टाइम है भाई, ये पूरा टाइम यही बिता रहा है। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ अभी तक, तो जी होगा तो आई एम श्योर आपको तो पता चल ही जाएगा। दीपिका, आप शोएब को कभी शिकायत हुई आपसे टाइम लेने की? एक्चुअली नहीं, बिकॉज जैसा हम दोनों एक्टर्स हैं, हम दोनों एक दूसरे की स्पेस अच्छी तरह से समझते हैं। कई बार शोएब शूट कर रहे होते हैं तो ऐसे होता है कि उनको भी टाइम नहीं मिल पाता, तो बीइंग इन द सेम प्रोफेशन चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। एक्चुअली बहुत सिंपल सी चीज़ें होती हैं, आई एम श्योर दीपिका इस बात से पूरी तरह रिलेट करती हैं कि अगर आप किसी को बोलें कि नहीं एक्सटेंड हो गई क्योंकि कल का टेलीकास्ट है और ओएस बचा हुआ, तो अब मैं एक नॉर्मल इंसान को बोलूंगा तो बोलेगा वो समझेगा नहीं, कास्ट आर्ट शूट कर रहे हो तुम लोग, व्हाट कैसे होगा, करेक्ट। अब एक एक्टर समझ जाता है, खासकर एक टेलीविजन एक्टर, कि ओएस बचा हुआ है, उसको 15-20 मिनट और लगेंगे, वो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल। तो वो इंटरेक्शन आई एम श्योर इन लोगों का एक अच्छे दर्जे पे होगा, जिसकी वजह से तो बहुत नॉर्मल हो जाती है चीजें, बिकॉज़ आप ओके, सो लास्टली जाते जाते हमारे ऑडियंस को बता दीजिए कब से हमको, हम तो आते आते बताएंगे, आप जाते जाते बताइए। सो हम ये बहुत ही फ्रेश सी एक लव स्टोरी, बहुत ही अलग एक हम चीज़ आपके सामने पेश करना चाह रहे हैं, एंड जितना अब तक आपका रिस्पॉन्स है, सबसे पहले तो उसके लिए थैंक यू गाइस, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के एडिट्स एंड आप लोगों के मैसेजेस पढ़ के, एंड जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ आप हैं तो हम हैं, अब तक आपने बहुत प्यार दिया है, सो 17th से दोबारा से अपनी प्यार की बौछार कीजिए एंड प्लीज़ वॉच अस ऑन स्टार प्लस 9 बजे कहाँ हम कहाँ तुम। Thank you. सबसे पहले तो congratulations. Thank you. Starplus पे वापसी हुई है. जी. So सबसे पहले तो चलना चाहिए कि वो किस तरीके की feeling है, you know, वापसी हो गई है Starplus पे तो. Actually, मेरा टेम्परामेंट थोड़ा सा अलग है, मेरी सोच थोड़ी सी अलग है. लोग कहते हैं कि एक शो खत्म हुआ तो we should give a break. हमें सोचना चाहिए कि हमें नेक्स्ट शो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना स्ट्रगल है. सी ऑनेस्टली आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एज एन एक्टर, लाइफ पीपल थिंक इज वेरी इजी बट इट इज़ रियली वेरी डिफिकल्ट. ओके, सो आई डोंट हैव द सिनेरियो दैट इट्स अ लीड और इट्स अ पैरेलल लीड. व्हाट आई वांट पर्सनली इज दैट
द कैरेक्टर शुड बी नाइस, आपको कुछ अलग करने को मिल रहा है, प्लस इट्स अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म, लाइक स्टार प्लस इज अ वेरी रिनाउंड प्लेटफॉर्म आई वुड से, एंड बीइंग एसोसिएटेड विद सच अ गुड कास्ट, दिस इज व्हाट मैटर्स एज एन एक्टर. ये नहीं सोचना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो शो में, आप अच्छा कर रहे हो, आप एस्टैब्लिश हो जाओगे उस शो में. सो दैट इज़ व्हाट आई थिंक, एंड आई थिंक आई एम लकी इनफ बिकॉज मोहब्बतें ख़त्म हुए हैं अभी, एंड मैं इस शो में आ गया हूँ वापस. तो मुझे अभी याद है कि मेरा लास्ट शॉट था जहाँ बॉम्ब ब्लास्ट होता है, एंड वहाँ मैं मरता हूँ और नेक्स्ट कट टू नया रोहन की जर्नी शुरू होती है. सो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड इन दैट वे. बहुत बहुत सिंपल. जी मोहब्बतें में मैं बहुत ही ज़्यादा, बीच में थोड़ा सा नेगेटिव था इनिशियली, बट उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा फोकस था आलिया को लेकर, और बहुत रोता था, नहीं हो पाया, बहुत सारी चीज़ें. और जो एग्ज़िट थी वो भी बहुत ही एक ड्रामेटिक एग्ज़िट थी, कि वो पूरे भल्ला फैमिली के लिए स्ट्रगल वो करके कम व्हाट यू कॉल इट सेक्रीफाइस करके वो मर जाता है. बट ये वाला जो रोहन है ये बहुत ही कम्प्लीटली डिफरेंट है. ये बंदा बहुत बड़ा फ्लर्ट है, मतलब अगर साथ में लड़की भी खड़ी होगी तो उसको वो कब लेके चला जाएगा पता नहीं चलेगा, लाइक आसपास भी नहीं पता होगा कि ये दोनों है क्या, एंड ही विल बी आउट. सो दिस इज समथिंग डिफरेंट व्हिच आई एम डूइंग फर्स्ट टाइम ऑन टेलीविजन. तो या उस वाले रोहन से ये रोहन काफी अलग. बिल्कुल बिल्कुल, ये वो थे. आई थिंक शायद संदीप सर का शो है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ सोचा हो कि कुछ रिलेटेबल, कुछ चीज़ें कुछ रिलेट कर सकें. बट आई डोंट नो, आई देयर समथिंग विद द लेटर आर. मैंने जितने भी शोज करे हैं उसमें मैं एक भी वैसा भी, मैं रणवीर था, मैंने करण के साथ एक शो करा है जिसमें करणवीर ग्रोवर के साथ ही, दैट वॉज पुनर्विवाह, उसमें भी रोहन था मैं. सो आई डोंट नो, देयर समथिंग विद रोहन, मोहब्बतें वॉज रोहन, दिस इज रोहन. सो आई थिंक या सो आगे से मैं ये बोलने वाला हूँ, रोहन नाम तो सुना होगा. मैं सच बताऊं तो मैंने सितंबर में शो साइन किया था. आई हैड अ वर्ड विद द क्रिएटिव्स, दे वर सिटिंग नेक्स्ट टू मी एंड दे वर लाइक, न्यूज़ थी दिसंबर में शो ऑफर हो रहा है और मेरे हाथ पे कॉन्ट्रैक्ट था. सो मैं ऐसे देख रहा था, करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ. सो देन आई स्पोक टू संदीप सर एंड द क्रिएटिव्स, एंड दे वर लाइक, भाई ये जब शो शुरू हुआ था उसके 6 महीने बाद से न्यूज़ आनी शुरू हो गई थी. सो आई डोंट वॉन्ट कि वाई एच एम सिंक करे, बिकॉज इट्स अ टाइटैनिक. तो आई जस्ट वॉन्ट इट शुड कीप ऑन सेलिंग एंड सेलिंग, एंड लोग इतना प्यार करते हैं उस शो को, तो मेरे को नहीं लगता कि ये शो बंद होगा. बट हाँ, कहीं ना कहीं जाके कुछ जर्नी है, एक इट्स अ जर्नी, सो इवेंचुअली कहीं ना कहीं तो ख़त्म होगी. बट अभी एज सच मेरे को कोई भी आइडिया नहीं है, एंड आई जस्ट विश कि वो शो चलता रहे, बिकॉज वो भी संदीप सर का शो है और मेरा काफ़ी कनेक्शन है उस शो से अब. ऑल दो बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, बट आई वर्क फॉर लाइक 8 to 9 months, बट आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स देयर, और बहुत अच्छे मेमोरीज हैं. सो आई जस्ट विश ऑल द बेस्ट फॉर दिस थिंग. ये है मोहब्बत. बिल्कुल नहीं, पूरी फैमिली में सब डॉक्टर्स हैं, मैं ही हूँ जो एक बिल्डर है, और फ्लर्ट है, करण का छोटा भाई है, और अपनी वाइफ से बहुत परेशान है, प्यार करता है लेकिन कहीं ना कहीं हाँ वो थोड़ा सा होता है ना कि थोड़ा सा साइड में करके हाँ लगा रहता है, फ्लर्टिंग करता रहता है. सो हाँ, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स हैं, और इस शो की बेस्ट बात ये है कि इस शो में मस्ती भी है, मजाक भी है, और ड्रामा भी है. सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग, which is like amalgamation of everything. So I think it's aur Sandeep sir hai show mein, to koi problem hai. Real life se kitna. See, log kehte hain main flirt karta hu, mujhe pata nahi, but ha main kahin na kahin thoda bahut kar leta hu.